टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। या अब तक हमने पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड्स के अब हम उनके बारे में एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में, यानी एसिड्स इन वाटर, दैट इज वाटर एसिड, यानी कि हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशंस। तो क्या होता है, एसिड्स हैव हाइड्रोजन, उनके अंदर हाइड्रोजन होता है। तो जैसे ही एसिड को डिसॉल्व करोगे, यानी एसिड जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होगा, ये अपने में से पॉजिटिव आयंस को निकाल देगा, दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस को सेपरेट कर देगा, और ये पॉजिटिव आयन जो बनेंगे ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे, वहाँ पर चले जाते हैं और एक नया आयन बनाते हैं जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और ये होते हैं आयन। ये कौन सा आयन है, हाइड्रोजन आयन। कौन सा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन। कौन सा बेटे, हाइड्रोजन आयन है। तो हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ, एन एसिड इज सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो इसका मतलब क्या, जो एसिड होते हैं जिसको जैसे ही आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो उसके अंदर से हाइड्रोजन आयन निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह हमने अभी पढ़ा था कि वो आयोनाइज हो जाते हैं, वर्ड आएगा आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब ये है कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसमें आयंस में सेपरेट्स इनटू आयंस, सेपरेट इनटू आयंस। जस्ट फॉर एग्जांपल HCl ले लीजिए, आपने इसको वाटर में ट्रीट किया और ये एक्वा सॉल्यूशन लेने पर इसका क्या बन गया, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ये भी एक्वा स्टेट में आएगा और ये भी एक्वा। फर्दर आपका H पॉजिटिव आयन जैसे ही वाटर से ट्रीट होगा तो ये बना लेगा H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो आप उसे H पॉजिटिव आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन, वो H पॉजिटिव आयन नहीं रह सकते सॉल्यूशन में, इसलिए क्या बनते हैं, वो हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, हाइड्रोनियम, वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब इस क्लास में हम यही बात करेंगे कि सिर्फ आप या तो कह लीजिए H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन कह लीजिए या उसे हाइड्रोजन कह लीजिए। तो इस तरीके से ये डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जब वो डिसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव आयन्स की वजह से, जो डिसोसिएट हो जाते हैं इसलिए दे शो एसिडिक करेक्टर। क्या शो करते हैं, एसिडिक करेक्टर। अगर कोई भी सब्सटेंस आपका H पॉजिटिव आयन शो करेगा तो हमेशा क्या शो करेगा, एसिडिक करेक्टर। क्या शो करेगा, एसिडिक करेक्टर शो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला लेते हैं एसिड H2SO4, मान लीजिए इसको एसिडिक क्यों कहा गया है, H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन लीजिए तो आपको ये 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव आयंस में आ जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि H पॉजिटिव आयन दिस इज देयरफॉर इट आल्सो शो एसिडिक करेक्टर। ऐसे आपको नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड होगा तो क्या बन जाएगा, ये भी H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव, ये आपका एक्वस स्टेट में है, ये भी किसमें है, एक्वस में, और ये भी क्या होगा, एक्वस में। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो भी आयन आपका क्या देगा बेटा, डिसोसिएट करेगा, वो शो करेगा एसिडिक करेक्टर, क्योंकि वो उसने हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस कर दिए गए। जब ऐसे ही एग्जांपल आएगा अगला एग्जांपल है CH3COOH। तो ये क्या आयन देगा आपको, ये आयन देगा CH3COO नेगेटिव, ये एसीटेट आयन है, प्लस में H पॉजिटिव आयन जो क्या है एक्वस, तो ये आपका एसीटेट आयन है। क्या है, एसीटेट आयन, और ये आपका नाइट्रेट आयन, और ये आपका सल्फेट आयन। इस तरीके से आपको ये क्या देंगे, आयन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है जिन कंपाउंड्स के अंदर आपके पास आ गया हो कि जिनके अंदर H होता है ये हमेशा क्या होते हैं, एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, यानी कि H होगा तो वो H पॉजिटिव आयन्स निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। इसके लिए जैसे एग्जाम्पल ले लिया, आपके पास
मरकूस है, आपके पास में अल्कोहल है, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, और अल्कोहल क्या होता है C2H5OH, इन दोनों के पास में तो H है, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, एसिडिक होंगे। बट ये दोनों ही, इनके सॉल्यूशन ग्लूकोज का और अल्कोहल का क्या सोनी कहते, डज नॉट सो एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर सो नहीं करते। तो कैसे पता चलेगा कि एसिडिक बिहेवियर करेंगे या नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो दो ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। हाँ, ये कह सकते हो आप, ये बात ध्यान देना कि एसिड्स, ऑल एसिड्स कंटेन्स एच हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। तो ये तो वही बात हो गई, जैसे हम कहें कि हाथी, घोड़े, ये सब क्या हैं, जानवर हैं, पर सभी जानवर क्या नहीं है, हाथी घोड़े नहीं है। तो इसी प्रकार ये कहा गया सारे एसिड्स के अंदर एच होगा, वो एच पॉजिटिव आयन निकाल देंगे, बट जिनके अंदर भी हाइड्रोजन होता है वो जरूरी नहीं क्या होंगे, एसिड्स होंगे। तो इनको टेस्ट करते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी क्या है वो देखिए बेटा जरा। आपको क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, क्या लेना है, एक बीकर लेना है, ठीक है। इस बीकर के अंदर आपको एक्वस सॉल्यूशन लेना है, जिस भी सब्सटेंस को आप चेक करना है कि वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा या नहीं करेगा। तो मैं फॉर एग्जांपल पहले लेता हूँ HCl का, तो मैंने लिया है HCl एक्वस, एग्जांपल मैंने लिया है HCl का। अब क्या हुआ, इस HCl में एक रबर कॉक लीजिए और उसके अंदर दो आयरन नेल्स डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, आयरन नेल्स आपने डाल दिए हैं, कील डाल दी है। नाउ कनेक्ट दीज नेल्स टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट थ्रू ए स्विच, थ्रू ए स्विच के थ्रू इसको कनेक्ट कर दीजिए एक बैटरी के साथ, और दोनों टर्मिनल्स को आप बैटरी के साथ कनेक्ट और एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप ये कनेक्ट कर लोगे, तो आप क्या देखते हो कि जैसे ही ये आयंस में टूटेगा, HCl एक्वस सॉल्यूशन आयंस में टूटेगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और आपकी बैटरी से होते हुए ये बल्ब क्या कर देगा, ग्लो करेगा, क्या करेगा ये बल्ब, क्या कर देगा, ग्लो कर देता है। अगर आपका बल्ब ग्लो कर जाता है, चाहे वो कम करे या ज़्यादा करे वो अलग बात होती है, अगर आपका बल्ब क्या कर जाता है, ग्लो कर जाता है, तो आप कहोगे कि दिस कंपाउंड इज एन एसिड। तो वो क्या है, एसिड, क्या है, एसिड है। तो यही कहानी अगर हम ग्लूकोज के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, ग्लूकोज के साथ करते हैं, मान लीजिए मैंने ये बीकर लिया और इस बीकर के अंदर ग्लूकोज का सॉल्यूशन या एक्वल का किसी का भी ले लीजिए मैंने डाल दिया है, और ये आपकी बैटरी है, ये वायर स्विच आ जाएगा यहाँ से, ये आपके नेल्स आ जाएंगे दोनों रबर कॉक में आते हुए, ये रबर कॉक के अंदर आ गएंगे आपके, ये नेल्स हैं, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और ठीक है, क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इस तरीके से लाके यहाँ पर क्या लगा दे, बल्ब लगा देते हैं, और बल्ब लगाने से क्या होगा कि ये बल्ब हो गया आपका, तो वही प्रोसेस चलेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और किसका हो सकता है, और अल्कोहल का अगर मैं ले लेता हूँ, कुछ समय बाद इसमें आयंस टूटते नहीं, और आयंस नहीं टूटेंगे तो ये आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नॉट ग्लो, वो ग्लो नहीं करेगा। जब ग्लो नहीं करेगा तो ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन
glucose और क्या alcohol does not conduct electricity. जो electricity conduct कर देगा that will be acid. ठीक है, एक बात और ध्यान देना रखना कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. यानी कि कोई भी जो एसिड है आपके पास, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, एसिटिक एसिड है, ये कंडक्ट नहीं करेंगे या एसिडिक शो नहीं करेंगे जब तक ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे. इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं और वो देखिए कैसे होती है. एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, मान लीजिए आपकी टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक और टेस्ट ट्यूब दो ले लेते हैं ऐसे. इसके अंदर आप रखिए सोडियम क्लोराइड हल्का सा, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से आप कोई भी एसिड मान लीजिए H2SO4 और या HCl आप डाल लीजिए यहाँ से. तो जैसे जैसे ये एसिड आएगा इसके अंदर, ठीक है, आप क्या कीजिए, डालने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को रबर कॉक से बंद कर दीजिए. ठीक है, रबर कॉक से जैसे आप बंद करोगे इसके अंदर एक होल करते हुए डिलीवरी ट्यूब डाल दीजिए, हल्का सा होल डालते हुए. तो इसके पास आपके पास NaCl और क्या सॉल्यूशन, यहाँ आपके पास NaCl और H2SO4 सॉल्यूशन. तो आप जानते हैं जब भी एक सॉल्ट और कोई एसिड निकलता है तो हमेशा क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है. तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस आउट होगी. ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस जैसे ही आएगी आप उसे क्या कीजिए बेटा, आप उसे एक ड्राई लिटमस पेपर ले लीजिए. ड्राई लिटमस पेपर कौन सा कलर का लेंगे एसिड के लिए, हम लेते मान लीजिए ब्लू. किसका लेते हैं, ब्लू. तो अब ब्लू लेने के बाद क्या होगा कि ड्राई लिटमस होने की वजह से यहाँ पर आपकी जो H2 गैस HCl गैस निकलेगी, सॉरी बेटा HCl गैस जो निकलेगी यहाँ से, क्या निकलेगी, HCl गैस जो निकलेगी यहाँ पर आपकी HCl गैस इस ड्राई पेपर पर रिएक्ट नहीं करेगी, यानी कोई भी कलर सो नहीं करेगा आपका ड्राई पेपर. यानी कि हम कह सकते देर इज नो चेंज, देर इज नो चेंज ऑन ड्राई पेपर. ठीक है, यानी कि HCl ने कोई भी सो नहीं किया है. जबकि ये जानते हैं कि आप अगर ये HCl का एक एसिड है तो एसिड क्या करते हैं, हमेशा ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं रेड में. यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है. बट अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसी टेस्ट ट्यूब को आप लीजिए और इस बार आप क्या कीजिए बेटा, इस बार आप एक मॉइस्ट यानी कि गीला हल्का सा क्या ले लीजिए, सॉल्यूशन ले लीजिए. जैसे ही मॉइस्ट पेपर लोगे आप, लिटमस पेपर ब्लू वाला ही, तो ये क्या करेगा, इस टाइम आपका ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड और दिस इंडिकेट दैट HCl इज एन एसिड. ठीक है, HCl क्या है, एसिड है. तो कभी भी जानने के लिए आप ध्यान देना कि आपके पास हमेशा ही मॉइस्ट होना चाहिए, यानी कि आपके पास थोड़ी नमी या पानी होनी चाहिए. और मॉइस्ट में क्या होता है, हमेशा मॉइस्ट कंटेन्स वाटर ड्रॉप्स. क्या होती है, इसके अंदर वाटर ड्रॉप्स होती हैं. इसका मतलब तो यही है, जब तक वाटर नहीं होगा आपका कोई भी एसिड बिहेव सो नहीं करेगा. इट्स सो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके बेटा, तो मान लीजिए आपके पास एसिड जो लिया था हमने HCl, ये जो आया है ये वाटर से ट्रीट किया, तो इसने क्या कर दिया, इसका H पॉजिटिव ने क्या बना लिया, इसको H3O पॉजिटिव हाइड्रोजनियम आयन बना लिया और क्या साथ में क्या
यहाँ पर जो वेट लिटमस पेपर था वो किस में चेंज हो गया है, उसका कलर चेंज होके क्या हो गया, ब्लू से रेड हो गया था, क्योंकि तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया था हाइड्रोजन आयन्स को जो उसमें प्रेजेंट थे। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो इसके हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, द एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स टूट जाते हैं और आयोनाइजेस अपने आप को आयंस में कन्वर्ट, डिसोसिएटेड और आयोनाइज इनटू आयंस, जो टूट कर या आयंस बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। तो इसका मतलब आपके पास एग्जाम्पल ध्यान देना, इसकी HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं और ये बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाती हैं, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बार अगर आपका एसिड क्या है बेटा, अगर आपका ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वहाँ पर एक एरो लगेगी, सिर्फ ओनली वन एरो, सिंगल एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट, ये इंडिकेट करता है कि इट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो क्या हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका HCl इक्वेशन है, ये AQ मान लीजिए इक्वेशन थी, अगर इसकी एरो आपकी इस तरह से लगी हुई है तो आपको क्या बताएगा, आपको ये बताएगा कि ये जो आयंस थे यहाँ पर, बेटा ध्यान देना कि ये H3 पॉजिटिव, एक ही बात लिखी गई है, H3 पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयंस, तो ये H पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, ये बनने जाते हैं और इंडिकेट, अगर एरो एक एरो लगी हो तो ये इंडिकेट करता है कि आपका एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरा आता है वीक एसिड्स, क्या आते हैं, तो एसिड्स विच विच पार्शियली डिसोसिएटिव, जो थोड़े थोड़े तोड़ते हैं, डिसोसिएट्स इंटू आयंस, जो आयंस में डिसोसिएट होते तो ये भी आयंस में डिसोसिएट, तो ध्यान देना जो एसिड्स हैं वो आयंस तो बनाएंगे, एस पॉजिटिव आयन निकलेगा, बट ये ध्यान देना कि यहाँ पर कम्प्लीटली होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसको निकलेगी। माना एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, कौन सा है, एसिटिक एसिड आपके पास एग्जाम्पल लिया मैंने, और यहाँ पर देखिए मैं दो एरो यूज़ करूँगा, दो एरो यूज़ करने का मतलब क्या है कि ये इंडिकेट करता है ये वीक एसिड है और ये भी किसमें टूटेगा, ये भी अपने आयंस में टूट जाता है, दिस इज एसिटेट आयन एंड दिस इज हाइड्रोजन आयंस। तो जहाँ पर दो एरो आएंगे आपके पास वो वीक एसिड्स हैं, और जो आपके पास सिंगल एरो आएगी वो क्या है, आपकी वीक एसिड्स। तो और एग्जांपल लें, तो इसमें कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज H2CO3 और सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है बेटा, सल्फरस, क्या है, सल्फरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3, ये क्या है, वीक एसिड्स होती हैं, भाई मिक्स तो ये भी हो जाती हैं। तो यानी कि हम अगर बात करें, ऑल द वीक एसिड्स आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स वही तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सीधी सी बात है, तो ये दोनों ही क्या आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं, किस में आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, तो व्हेन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड by mixing water, then the concentration of hydrogen ions or hydrogen ions per unit volume decreases. जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो वहाँ पर आयंस टूटने चले से कम होते चले जाते हैं। नेक्स्ट इज बेसिस, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा, इन टेस्ट सोपी, साबुन के जैसे टच करने पर ऐसे लगते हैं जैसे साबुन होता है, एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या हो जाते हैं, रेड लिटमस को टर्न कर देते हैं किसमें, ब्लू में। तो ऐसे वाले सब्सटेंसेस जो होते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस। क्या कहते हैं? बेसिस कैसे? फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में क्या होता है सॉल्युबल होता है, इज कॉल्ड एन एल्कली। उसे क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। जैसे NaOH, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर, सो दे आर कॉल्ड एल्कली। तो जब भी जो बेस है, सारे बेस सॉल्युबल नहीं होते, जो वाटर में सॉल्युबल है उन्हें क्या कहते हैं? एल्कली। क्या कहते हैं? एल्कली। ओके, क्या कहते हैं हम? जैसे एसिड्स के पास में एच पॉजिटिव आयन निकलता था तो हम उन्हें कहते हैं एसिड। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, बेस इज ए सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, जिनके अंदर ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। जिस भी सॉल्यूशन में निकलेगा, जैसे ही आप बेस को डिजोल्व करोगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो उनके अंदर एच पॉजिटिव आयन निकलता है, सॉरी ओ एच नेगेटिव आयन निकलेगा, जिसे क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। जैसे NaOH का बेस था और इसमें वाटर मिलाओगे तो आपके Na पॉजिटिव सोडियम आयन्स प्लस में OH नेगेटिव, तो ये इंडिकेट करता है इट इज ए बेस। ये क्या शो करेगा? ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। तो KOH एक्वस में K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, MgOH2 का होल्ड एक्वस Mg प्लस में 2OH नेगेटिव आयन्स, तो ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है। तो जिसके अंदर भी OH आयन्स निकलेंगे, OH नेगेटिव आयन्स निकलेंगे, यानी हाइड्रोक्साइड आयन्स, दे आर कॉल्ड बेसिस। सिमिलरली ये भी वहीं कंडक्ट करेंगे जब ये वाटर में होंगे, तभी ये आयन्स बन सकते हैं, वरना ये भी आयन्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस सिमिलरली जैसे एसिड में हुआ था, स्ट्रॉन्ग बेसिस ए बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, वही सारे बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएं और क्या दें आपको OH नेगेटिव आयन्स दें, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे NaOH और KOH बेसिस, दीज हैव ए बिटर टेस्ट, ये कड़वे होते हैं, दे फील सोपी टू टच, साबुन के जैसे सोप होते हैं, फिसल जाते हैं, तो दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को चेंज कर देते हैं ब्लू में, इनके एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस की वजह से, या इनके जो सॉल्यूशन होते हैं जैसे एक्वस सॉल्यूशन उनका कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, व्हेन ए बेस रिएक्ट्स विद मेटल देन मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, जब भी एक बेस रिएक्ट करेगा बेस मेटल के साथ तो एक मेटल सॉल्ट करने के लिए हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल आपके पास 2NaOH एक्वस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में जिंक मेटल, जैसे ही रिएक्ट करोगे तो और हीट करने पर ये आपको Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट क्या देगा? सोडियम जिंकेट। ध्यान देना एसिड कंपेरिजन में बेसिस की जो रिएक्शंस होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी सी। देखो हीट करने पर Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है प्लस में H2 गैस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। तो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, ओनली एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद, एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वही क्या होते हैं आपके बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं, हर कोई मेटल रिएक्ट नहीं करता। अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन होती है रिएक्शन विद एसिड्स, तो जब भी आपका बेस रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ में तो ये आपको क्या देगा? सॉल्ट प्लस में वाटर। एक बेस और एक एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो दे गिव सॉल्ट एंड वाटर, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl, NaCl बन जाएगा, ये सॉल्ट हो गया और H2 वाटर। तो व्हेन एन एसिड एंड ए बेस कंबाइन देन द रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑकर्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन द बेस टू फॉर्म वाटर। तो NaOH के अंदर OH नेगेटिव आयन्स और HCl के अंदर H पॉजिटिव आयन्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वाटर की प्रेजेंस करते हैं और वो वाटर क्या बनाते हैं तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी बेस के एसिड के इफेक्ट को आपका बेस क्या कर देता है? न्यूट्रीफाई कर देता है, नल कर देता है, वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता किसी भी एसिड का, इसलिए ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर एक एसिड आपके बेस पर क्या करता है? रिएक्ट
करता, क्या फॉर्म करता, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। जैसे एच पॉजिटिव एक्वस जो आपका HCl से निकला था, ये एसिड का है और ये किसका था आपके बेस का OH नेगेटिव आयन से, आपस में कंबाइन क्या बनते थे, वाटर बना लेते हैं। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, बेसिस क्या करते हैं जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस में वाटर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस में CO2, तो आपको क्या देते हैं CaCO3 प्लस में H2O। दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन इज नॉन मेटल, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं प्लस में वाटर। तो जब भी आपका कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसके ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान दे रहा है यहाँ पर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर, तो आपकी जो ऑक्साइड्स होती हैं ये एसिडिक इन नेचर होती हैं। क्या होती हैं, एसिडिक, यानी कि एसिडिक कैसे होती हैं, ये उनके अंदर क्या होता है, आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, आर ऐसे के लिए नेचर ये बिहेव करते हैं एसिडिक। वैसे तो CO2 क्या होते हैं, न्यूट्रल है यहाँ पर आपके पास में, बट जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती हैं, एसिडिक क्या होती हैं, एसिड, दिस इज न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल होती है, बट जो भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है, ज्यादातर क्या होती है एसिडिक नेचर वो करती हैं कि वो ब्लू लिटमस को चेंज कर देती है किसमें, रेड लिटमस, एसिडिक होने की वजह से ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देती हैं, रेड लिटमस। अगला आता है कि स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे भाई हम अपनी एसिड्स का, कि भाई स्ट्रांग कौन सी है वीक कौन सी है, तो इसके लिए एक स्केल बनाया गया जिसे हम कहते हैं पीएस स्केल। क्या कहते हैं, पीएस स्केल इन प्योर वाटर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोकोल। जब हम प्योर स्टेट की बात करते हैं वाटर के, तो वहाँ पर आपका हाइड्रोजन के आयंस की जो और मात्रा और आपके हाइड्रोक्स आयंस की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। मात्रा को कहते हैं कंसेंट्रेशन, क्या कहते हैं, कंसेंट्रेशन। तो ऐसे सॉल्यूशन है एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जो आपके जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर एच पॉजिटिव के आयन की मात्रा ज़्यादा होती है OH नेगेटिव आयंस से, और ऐसे बेसिक सॉल्यूशन की वहाँ पर एक्सेस होती है किसकी, OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं किससे, एच पॉजिटिव आयन से, एच पॉजिटिव आयन से। तो एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं और बेसिक के अंदर OH नेगेटिव आयन्स ज़्यादा होते हैं। बोथ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन, दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सोरेनसन डिवाइस स्केल, उन्होंने एक स्केल बनाया सोरेनसन ने, जिसको कहते हैं पीएस स्केल। क्या कहते हैं, फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन, इनकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए सॉरेंज ने स्केल से क्या कहते हैं, पीएस स्केल। पीएस स्केल क्या कहता है, पीएस स्केल इज इनवर्सली टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, पीएच स्केल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। तो यानी कि जो पीएस स्केल है वो डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ द एच पॉजिटिव आयंस, एच पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कोई बड़ा वो नहीं होता। पीएस स्केल क्या है, बिल्कुल जैसा आपका स्केल है, जैसे आपका मेजरिंग स्केल होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, जहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं 0 से 14 तक, कहाँ तक नंबर्स लिखे होते हैं 0 से 14 तक लिखे होते हैं। तो पीएच पहले 0 से लेकर 0, 3, 7, 10 और 14, मैंने ये आपको एक स्केल बना के दिखाया है, 0 लिया यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 14। पीएच जिसका ज़्यादा होता है, पीएच अगर 7 है इट कम्स टू बी इक्वल टू, तो इस केस पर आपके कंपाउंड क्या होगा, न्यूट्रल, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और पीएच 7, अगर पी इज लेस देन 7 देन इट इज एसिडिक, वो क्या होगा, एसिड होगा, और पीएच इज ग्रेटर देन 7 इट इज एन बेस। तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी तो आपका क्या होगा, बेस होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पीएच स्केल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एच पॉजिटिव आयंस के, जितने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयंस होंगे उतना ही क्या होगा, वो उतना ही क्या होगा, वीक क्या होगा, वो एसिड होगा, जितने कम एच पॉजिटिव आयंस होंगे उतना क्या होगा, वो स्ट्रांग एसिड होगा, ठीक है। जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा, जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, बेटा कम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो पीएच 0 पर स्केल पर आपका एसिडिक ज़्यादा होते हैं, पीएच 1, 2, 3 आर स्ट्रांग एसिड्स, पीएच हैविंग 3, 4, 5, 3 से ऊपर 4, 5, 6 और अप टू 7 दे आर कॉल्ड वीक एसिड्स, एंड फ्रॉम पीएच बिटवीन 7 to 10 आर वीक बेसिस, एंड फ्रॉम 10 to 14 दे आर स्ट्रांग बेसिस, ओके। ये आपके पास में ये पीएच स्केल है,
इस तरफ आपकी OH आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है और इस तरफ आपकी एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और जैसे आयंस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें क्या हो जाएगा, वीक होना स्टार्ट हो जाता है। pH इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, दैट इज सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन हैव लो pH वैल्यू, और जिसमें कंसंट्रेशन क्या होगी लो होती उतना ही क्या हो वीक हो जाएगा। ठीक है, पीएच की वैल्यू जितनी कम उतना एसिड, पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना क्या वो बेसिक की तरफ बढ़ जाता है। मैं पीएच अगर बढ़ गया है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपके पास में पीएच की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। पीएच की वैल्यू घट गई तो आपका एसिडिक ज़्यादा होगा, तो मोर एसिडिक इज सॉल्यूशन लोअर विल बी पीएच। मोर एसिडिक सॉल्यूशन, जितना एसिडिक ज़्यादा होगा उसकी मोर एसिडिक इज ए सॉल्यूशन, मोर एसिडिक इज ए सॉल्यूशन lower will be its pH, इसकी pH value क्या होगी उतनी ही क्या होगी कम हो जाती है। higher the pH value क्या होगी ज़्यादा होगी तो stronger the base क्या हो जाएगा आपका, strong हो जाएगा। इसका वही दोबारा आप ऐसे उसको ऊपर वाले वैसे ले सकते थे, lower the pH value stronger is the acid, stronger the acid, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बेसिक को, बेसिक सॉल्यूशन को दूसरा नाम भी है, बेसिक सॉल्यूशंस को एल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, एक ही अगला टॉपिक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी, उनसे सिर्फ हमें ये पता चलता था कि सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है, सिर्फ एसिड और उसके बेस के बारे में पता चलता था। हमें वो इंडिकेटर्स जो ये नहीं बताते कि स्ट्रॉन्ग है वीक है न्यूट्रल है, इस बारे में नहीं बताते कि एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस है, कंपाउंड न्यूट्रल है, तो इसलिए इन सब की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए एक इंडिकेटर बनाया गया जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स और डाइस, इन सबको कंबाइन किया जाता है, विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ एंटायर पीएच स्केल। तो वो जब कनेक्ट किया जाता है उन सब की वैल्यूज भी उसका पीएच स्केल्स पर आती हैं, अपने अपने कलर वो एंड शो कर देता है। तो एज पीएच स्केल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे हम जानते हैं पीएच स्केल डिपेंड करता है एज पॉजिटिव आयंस पर, सो द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन। हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल पर हर किसी की एच का पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या थी अलग अलग थी, उसी प्रकार से हर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की वजह से क्या कलर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसका कलर क्या होगा, पीएच इसकी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ग्रीन होगा। अगर आपका पीएच क्या था 14 तो वॉयलेट होगा, और अगर आपका पीएच क्या है 0 है तो आपका डार्क रेड होगा, और पीएच क्या 1 है तो क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा। इस तरीके से हर जैसे एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है या इंक्रीज होनी स्टार्ट, वो उसके कलर में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली तो वाटर जो हमारे पास होता है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसलिए इसका कलर क्या हो जाता है, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ये भी दोनों फॉर्म में हो सकता है, आपके पेपर की फॉर्म में भी और एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी पाया जा सकता है। सिमिलरली जैसे हमारे पास था लिटमस पेपर लिटमस पेपर के साथ चेक करते थे एसिडिटी, हम इसी की तरह उसको यूज करते हैं। हम करते क्या है, हम लेते हैं putting a drop of solution on the universal indicator paper, the paper turns dark red, then its pH will be around 0 and it will be strong acid. अगर इस तरह से कलर में चेंज आते चले जाते हैं तो उस तरह से वो हम उसके कंपाउंड को बता देते हैं। क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट में क्या होता है मैनुअली होता है, उस पर सारे कलर्स लिखे होते हैं आपके डार्क रेड से लेकर वॉयलेट तक, यानी पीएच 0 से लेकर पीएच 14 तक सारे कलर्स लिखे होते हैं। आप क्या करोगे, पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर का स्क्रोल होगे और उसे अपनी एसिड पर या तो सॉल्यूशन बना लेना बेटा, ड्राई पर चेंज नहीं करते, या तो पेपर को क्या कर लेना, सॉल्यूशन फॉर्म में ले लेना, पानी में डाल लेना हल्का सा, उसे ड्रॉप ले लेना, या उसे क्या करना सॉल्यूशन ले लेना। तो ज़्यादातर अच्छा होता है सॉल्यूशन लेने से, सॉल्यूशन लोगे आप पेपर लेना, और पेपर जैसे आप लोगे तो वहाँ पर कोई ना कोई कलर चेंज होगा। आप क्या करोगे, जो कलर चेंज हो गया उसे उस मैनुअली जो आपका गिवन होता है पेपर उसे चेक करोगे, और आप पता लगाओगे कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, चाहे वो एसिड है या बेस है। 7 से ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली से बेस होगा, नीचे जाएगा तो एसिड होगा, वहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो 0 से लेकर
अगर मैं बात करूँ थ्री तक तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और फोर्थ थ्री थ्री पर क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, वो भी मैंने आपको भी पहले सारा बताया था, उसी तरीके आप प्रोसेस करते रहो। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि वो पीएच का क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो कम या ज़्यादा हो जाता है हमारी डेली लाइफ में। सबसे पहले बात करते हैं द पीएच प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी एक्टिविटीज़ ऑफ एवरीडे लाइफ, बहुत सारा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक इज इम्पोर्टेंट द प्रोसेस डाइजेशन। पी एच लेवल यानी कि जो पी एच की मात्रा वो जरूरी होती है हमारे स्टोमक के अंदर जब हमारा डाइजेशन का टाइम होता है। पी एच चेंजेस इन माउथ कैन बिकम ए कॉज ऑफ टूथ एक, अगर हमारे मुंह का पी एच चेंज हो जाता है तो हमारे दांत क्या होते हैं, खराब होने स्टार्ट होते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द पी एच, ये भी जब जीवित रह पाते हैं ढंग से जब इनके पी एच लेवल क्या होता है सही होता है। फॉर एग्जाम्पल पहली बात करते हैं पी एच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है। एक बात ध्यान देना, हमारा स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे शरीर से हमारे स्टोमक से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेस्टिंग आवर फूड, डायल्यूट HCl क्या हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। तो उससे हमारे शरीर यानी हमारे पेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से डाइजेशन में हेल्प करता है। समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टोमक ड्यू टू वेरियस रीजन्स, कभी कभी ओवर ईटिंग की वजह से या बहुत सारी तरीके से वो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एक्सेस एसिड इन द स्टोमक कॉसेस इनडाइजेशन। तो होता है इनडाइजेशन यानी कि वहाँ पर कब्ज होना स्टार्ट हो जाता है, विच प्रोड्यूस पेन एंड इरीटेशन, हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसे इस दर्द से लेने के लिए हम क्या कहते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, हम क्योर करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, पेन से बचाते हैं। तो उस दवाइयों को कहते हैं एंटा एसिड्स, क्या कहते हैं एंटा एसिड, एंटा एसिड मीन्स एंटी एसिड, एसिड्स के अपोजिट वाली रिएक्शन में कहते हैं एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स आर ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द बॉडी। एंटा एसिड्स क्या होता है, इसके अंदर बेसिस होते हैं जो हमारे शरीर पर इफेक्ट नहीं करते, उन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। बींग बेसिंग नेचर, जैसे वो बेस होते हैं, एंटा एसिड रिएक्ट विद एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट, क्योंकि बेसिक होते हैं और आप जानते हैं जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट तो क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वहाँ पर उसे वो एसिड्स के को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें रिलीफ मिल जाता है। दो एंटा एसिड्स हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, एंड सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहते हैं, दोनों को यूज करके हम अपने इनडाइजेशन को सही कर सकते हैं, हमें रिलीफ मिल जाता है। अगला है पीएच चेंजेस एट द कॉज ऑफ टूथ डिके, अगर पीएच चेंज हो जाता है तो हमारे दांतों में भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड, जब हम कुछ मीठा कुछ चीज़ ऐसी खाते हैं जिसमें मीठा होता है, देन जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो उसको शुगर को तोड़ देता है एसिड्स में, किसमें बनाने के लिए, एसिड्स में, सच एज लैक्टिक एसिड। एसिड इज फॉर्म्ड इन द माउथ आफ्टर शुगरी फूड हैज़ बीन ईटन, जब हम कुछ खा लेते हैं मीठा तो उसके बाद में एसिड बन जाता है और ये एसिड हमारे माउथ में जमा हो जाता है और इसकी वजह से हमारा माउथ का पीएच क्या हो जाता है, गिर जाता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फ्लो ब्लो 5.5, जैसे ही आपके माउथ का जो पीएच लेवल नीचे हो जाता है 5.5 से तो क्या होता है, आपका दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं। This is because then the acid becomes strong enough to attack the enamel of our teeth and corrode it. तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा strong हो जाता है, इतना strong होने की वजह से जो हमारे दांत का enamel ऊपर वाला पार्ट जो होता है, खुदरी पार्ट जो होता है, वो कोरोड यानी कि जंगल मतलब एक तरीके से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। This sets in tooth decay, जिसकी वजह से दांत में दर्द हो जाता है। तो टूथ एनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर भी कोरोड होने की वजह से उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टू डिके इज टू क्लीन द माउथ थोरोली आफ्टर ईटिंग फूड, इसलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद अच्छी तरह से मुंह की सफाई कर देनी चाहिए ताकि उसका पीएच ज़्यादा नीचे ना गिरे। तो पर्सन कैन लेसन द चांसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम टूथ डिके बाई चेंजिंग इट्स हैबिटिंग ईटिंग हैबिट, बहुत सारा तरीका ये भी है कि आप ना क्या कर लीजिए, हैबिट चेंज कर लीजिए खाने के, जैसे कम चीनी वाली चीज़ें खाइए, मीठी वाली चीज़ें हैं, स्वीट्स टॉफीज आइसक्रीम चॉकलेट्स कैंडी सब कम कर दीजिए। दूसरा ये तरीका ये है कि आप मेन जिनके अंदर बेसिस ज़्यादा होते हैं उन टूथपेस्टों का यूज़ कर लीजिए, वो भी आपको दांत के दर्द से बचा सकते हैं। अब आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस, प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं पीएच के चेंजेस के साथ। सबसे पहले आता है सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, सॉइल की पीएच और प्लांट जो वहाँ पर पौधे हैं उस पर क्या फर्क पड़ता है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7,
बहुत अच्छे से प्लांट जब बढ़ता है, जब आपके पीएच सॉइल मिट्टी की पीएच कितने सेवन या न्यूट्रल होनी चाहिए, जब बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, या सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, अगर ज्यादा क्या हो जाए एसिडिक हो जाए या बहुत ज्यादा क्या हो जाए बेसिक हो जाए, द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल, तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। द सॉइल मे बी एसिडिक और बेसिक न्यूट्रल नेचुरली, या तो क्या होना चाहिए एसिडिक होनी चाहिए, बेसिक हो जाती है अपनी तरह से। द पीएच इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, बार बार जो हम कहें खाद वादों का यूज करते हैं, रासायनिक पदार्थों का यूज करते हैं, उनकी वजह से भी आपके खेतों का पीएच चेंज हो जाता है। द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन कैन रीच एज लो एज 4, पीएच इतना जा सकता है कितना 4 तक, एंड दैट ऑफ बेसिकल सॉइल कैन गो अप टू 8.3, आपका बेसिक 8.3 तक चला जाता है, पीएच के अंदर 4 तक चला जाता है। तो यहाँ पर केमिकल्स कैन बी एडेड टू सॉइल टू एडजस्ट पीएच एंड मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट, इसलिए यहाँ पर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि आपके पीएच को मेंटेन किया जाए। अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो आप इसमें क्यूक्लाइम यानी सोडा, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है उसे मिला दीजिए, चूना पत्थर जो होता है उसे मिला दीजिए, और स्लेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर लीजिए, चॉक का यूज़ कर लीजिए, तो आपका एसिडिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऑल दी मेटल्स आर बेसिस एंड हिंस रिएक्ट विद एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल रिड्यूस इट्स, सब क्या है बेसिस होते हैं और आपके एसिडिटी खत्म कर देते हैं। फिर फार्मर शुड एड लाइम इन दिस फील्ड व्हेन द सॉइल इज एसिडिक, जब भी आप अगर आपका बेसिक है तो बेसिक होने की वजह से आप इसमें एक एसिड यूज कर देते हैं, तो एसिड यूज करने के लिए आप डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर कंपोस्ट यानी खाद वाद का भी यूज कर सकते हैं, जो आपके एसिड इफेक्ट को क्या कर देता है, बेसिक इफेक्ट को कम कर सकता है। तो दोनों के इफेक्ट करने के कारण आप अगर आपका एसिड है तो उसमें बेस मिला दीजिए, अगर बेसिक है तो आप उसमें एसिड मिला दीजिए, ठीक है। चेक करने का तरीका यही है कि आप 2 ग्राम सॉइल लीजिए अपने टेस्ट ट्यूब में और उसमें 5 ml पानी मिला दीजिए, उस टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छे से सेक करें, फिल्टर द कॉन्टेंट टेस्ट ट्यूब थ्रू फिल्टर पेपर, उसमें फिल्टर कर लीजिए और कलेक्ट द फिल्ट्रेट, फाइंड द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट बाय यूजिंग आप यूनिवर्सल इंडिकेटर्स लिख के यूज करके उसे पीएच निकाल दीजिए, वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी सॉइल में क्या है, मिट्टी में एसिडिक है या वो बेसिक है। अगर आता है पीएच चेंज एंड सर्वाइवल में, अगर पीएच चेंज हो जाता है तो सर्वाइवल में भी आसानी हो जाती है एनिमल्स के, या होती है नहीं होती पता चलता है। द पीएच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमारे साथ साथ और एनिमल्स के साथ भी अगर पीएच में कुछ भी चेंज हो जाता है तो हम एग्जिस्ट कर पाएंगे या रेसिस्ट करेंगे वो डिपेंड करता है। तो आवर बॉडी वर्क्स वेल इन ए नैरो पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8, अगर पीएच की लेवल 7.0 से लेकर 7.8 है तो हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ड्यू टू सम रीजन वो बढ़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, देन मेनी अलाइनमेंट्स कैन ओकर, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव इन लेक और वाटर विद इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, वो थोड़ी सी चेंज में कर रह पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर रेन वाटर जो होता है उसका पीएच होता है 5.6, कितना होता है 5.6, तो उसे कहते हैं एसिड रेन, क्या कहते हैं एसिड, टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर, अगर ज़्यादा बारिश होगी एसिड रेन होगा तो जिसकी वजह से उसकी लेक का पानी का क्या होगा पीएच लेवल कम हो जाता है, पीएच लेवल कम होगा तो वहाँ पर रहने वाले जीवों की अभी कठिनाई स्टार्ट हो जाती है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स भी क्या होंगे मरने स्टार्ट हो जाते हैं। और वहाँ को करने के लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन एडेड टू एडिड सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट इज एडिड ऑफन एडिड टू एसिडिक लेक जहाँ पर होते वाटर न्यूट्रलाइज द एसिड एज कम्स फ्रॉम द एसिड, वहाँ पर एसिड इसका यूज किया जाता है, इस तरीके से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दें, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, तो यहाँ पर कभी कभी अपने आप को पौधे या बहुत से जीव अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने हनी बी स्टिंग से पर्सन, जब वो काटती है इंजेक्ट एन एसिड लिक्विड इन टू द स्किन, तो वो एक एसिड अपने अंदर डाल देती है जिसकी वजह से इमेंस तुरंत ही हमें पेन हो जाता है, बहुत भयंकर, और इरिटेशन हमें खुजा हो जाती है। अगर हम वहाँ पर बेकिंग सोडा लगा लेते हैं तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, ध्यान देना बेस के लिए एसिडिक था तो हम इस पर बेस लगाएंगे क्या बेकिंग सोडा, दिस इज बिकॉज बीइंग ए बेसिक बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट वेस्टिंग कैंसिलेट्स इफेक्ट व्हेन ए वेस्ट स्टिंग, ये ततैया अगर आपको काट जाता है इट इंजेक्ट्स एन एल्कलाइन लिक्विड इन टू द स्किन, ततैया काटने पर एल्कलाइन निकलता है, तो अगर वहाँ पर निकलता है एल्कलाइन लिक्विड डालते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे एसिड, तो हम वहाँ पर विनीगर थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं, सिरका डालने से क्या होगा वो इस इफेक्ट को खत्म कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो प्लीज नोट दैट बींग स्टिंग इज एसिडिक वेयर वेस्ट स्टिंग इज एल्कलाइन नेचर, दोनों को ध्यान दें, बेस स्टिंग क्या होती है एसिडिक होती है, वास्ट स्टिंग क्या होती है एल्कलाइन होता है। तो एंसेक्ट मेथोनिक एसिड इन द स्किन ऑफ एथेमिक, तो आपके एंट्स होती हैं जो आपकी चींटियाँ होती हैं उनके अंदर भी एसिड पाया जाता है, और मीथोनिक एसिड का दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड, क्या नाम है फॉर्मिक एसिड, तो वो भी हमें क्या करता है पेन, तो यहाँ पर हम बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे। उसके बाद
आगे चलते हैं, ये तो हो गए एनिमल्स की बात, करते हैं प्लांट्स की बात। कभी कभी आपका पेड़, जैसे कि व्हेन ए पर्सन हैपेंस टू टच द लीव्स ऑफ ए नीटल प्लांट, ये नीटल प्लांट एक प्लांट होता है जिसमें चाटे होते हैं, एक्सीडेंटली बाई चांस हो जाता है, द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल प्लांट लीव्स इंजेक्ट मिथोनिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड उसमें से डालते हैं टू स्किन द पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन, जिससे हमें क्या होता है दर्द होता है इसका, ठीक है क्या होता है बर्निंग पेन होता है। इसकी रेमेडियल के लिए क्या कर रहे हैं आप, बेस का यूज़ कर लीजिए, वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इवन नेचर इटसेल्फ हैज प्रोवाइडेड रेमेडी फॉर द नीटल स्टिंग इन द फॉर्म ऑफ ए डॉग प्लांट, डॉग प्लांट की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं नेचर की तरफ से। अगर आपके पास ना हो तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, डॉग प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। सो ट्रेडिशनली रेमेडी फॉर स्टिंग इन द लीफ ऑफ ए डॉग प्लांट, डॉग प्लांट वहाँ से ली, ये विच ऑफन ग्रोथ बिसाइड द नीटल प्लांट इन द जंगल, वहीं आस पास कहीं ना कहीं ये डॉग प्लांट लगा होगा, इस तरीके से आप उन्हें बचा सकते हो। उसके अंदर भी क्या होता है, बेसिक केमिकल प्रेजेंट होता है जो उसके इफेक्ट को कम कर देता है। जैसा कि आपने पढ़ा एसिड्स और बेसिस के बारे में, कि एसिड्स और बेसिस के साथ जिस भी चीज़ को हम ट्रीट करते हैं मेटल के साथ, या उन दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं नया, जिसको हम क्या कहते हैं सॉल्ट, क्या कहते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट इज ए फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय ए मेटल, जब भी एक मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है एसिड के तो एक सॉल्ट बनाता है। सिमिलरली सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसिस, तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट तो क्या बनाते हैं सॉल्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स, द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स, the salts of nitric acid are called nitrates and salts of carbonic acid are called carbonates and salts of acetic acid are called acetates and so on। ये कहने का मतलब जिस भी एसिड का होगा तो उसी के नाम से वो सॉल्ट बन जाता है। जैसे अगर मान लें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं तो उन सॉल्ट्स को कहेंगे क्लोराइड्स, क्या कहेंगे क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज NaCl, कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड के अगर कहें तो उन्हें सल्फेट्स कहते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटाशियम सल्फेट K2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, कैल्शियम सल्फेट CsO4, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। इसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट्स, फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। एसिटिक एसिड को ले लेते हैं तो एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट CH3COONa सोडियम एसीटेट। द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3। अब मैं कुछ सॉल्ट्स के नाम पढ़ूंगा और उनके फॉर्मूले, उनमें कौन सा बेस है कौन सा एसिड है, ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, ये आगे आपकी केमिस्ट्री में काम आएंगे। पोटाशियम सल्फेट K2SO4, पोटाशियम सल्फेट K2SO4, बेस इसमें KOH, एसिड है इसमें H2SO4। सेकेंड इज सोडियम सल्फेट Na2SO4, एसिड H2SO4 और बेस NaOH। कैल्शियम सल्फेट, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है सल्फेट, दैट मीन इसमें 100% सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाएगा, तो इसमें H2SO4 एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है इसमें बेस है। मैग्नीशियम सल्फेट अगेन एसिड इज H2SO4 और बेस MgOH का होल ट्वाइस। कॉपर सल्फेट CuSO4 CuOH का होल ट्वाइस, ये
आपका क्या इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें क्या है एसिड है, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaOH बेस HCl एसिड, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, NaOH बेस HNO3 एसिड, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बेस इज NaOH, एसिड इज CH2CO3 कार्बोनिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बेस इज NH4OH, एसिड HCl, सोडियम एसीटेट CH3COONa बेस इज NaOH एंड एसिड इज CH3COOH। इस तरीके से कुछ ये आपके पास सॉल्ट्स हैं जिनके फॉर्मूलेस और उनके अंदर एसिड और बेस आपको याद होने चाहिए। इसी प्रकार से आगे चलते हुए द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा तो आपका क्या बनेगा एसिडिक, क्या बनेगा आपका कम जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में क्या बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। जैसे अगर आप HCl और NaCl को लें, अगर आप HCl और NaOH को लें तो आपको बनता है NaCl, क्या बनता है Na से NaOH और HCl दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, जब दोनों आपस में कंबाइन बनते हैं तो NaCl जो क्या बनता है एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ऐसे ही अगर आप बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की और वीक बेस की तो वहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, फॉर एग्जांपल सोडियम एसीटेट CH3COONa, इसमें जो आपका बेस है वो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड जो है CH3COOH वो एक आपका एसिड है जो कि वीक एसिड है, जब इन दोनों को आप कंबाइन करते हो तो जो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है चौथा सॉल्ट वो बेसिक इन नेचर होता है, वो क्या होता है बेसिक इन नेचर होता है। इसी प्रकार से अगर आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड लें और वीक एस बेस लें तो क्या होता है आपका सॉल्ट द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल NaOH प्लस में HCl दोनों ही क्या है स्ट्रॉन्ग है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको जो सॉल्ट बनता है NaCl वो क्या है न्यूट्रल होता है। द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस गिव एसिडिक सॉल्यूशन, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या देते हैं आपको एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लें आप HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है वीक बेस है, जब आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपका जो कंपाउंड बनता है NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। इसी सिमिलरली इसी प्रकार से द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव बेसिक सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड CH3COOH यानी एसिटिक एसिड अगर आप लेते हैं तो उनसे जो सॉल्ट बनता है सोडियम एसीटेट CH3COONa वो एक क्या होता है बेसिक सॉल्यूशन होता है। थैंक यू। आगे आते हैं कॉमन सॉल्ट, क्या आता है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज अ वाइट पाउडर व्हिच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाने काम आता है। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या नाम है इसका सोडियम क्लोराइड, इस केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट, क्या होता है न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, क्या होता है न्यूट्रल होता है। सोडियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, से आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को और HCl क्या करोगे मिक्स करोगे, ये आपको क्या देगा NaCl प्लस में वाटर, क्या देगा NaOH प्लस में HCl गिव्स NaCl प्लस में H2, किसी रिएक्शन है ये NaOH प्लस में HCl गिव्स NaCl प्लस में H2, तो आपको क्या बन जाएगा आप NaCl बना सकते हो। ये है प्रिपरेशन लेबोरेटरी, बट इससे काम नहीं बनता तो इसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, दो तरीके हैं, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर समुद्र से ले सकते हैं या कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट जो जमीन के अंदर डिपॉजिट होता है वहाँ से कैसे निकालेंगे, तो जमीन वाले का कर लेते हैं। सी वाटर कंटेन मेनी डिजॉल्व सॉल्ट्स, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं नमक, बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, तो कॉमन सॉल्ट को निकालने का तरीका क्या है कि बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का वाष्पीकरण में बन जाना क्या होता है, इसमें क्या होता है आप क्या कीजिए सी वाटर स्टेप इन लार्ज शैलो पूल्स एंड अलाउड टू स्टैंड देयर, खुली जगह में पानी को लिया जाता है, उन्हें खुली जगह में रख दिया जाता है, वहाँ पर धीरे धीरे जैसे सन की हीट आती है तो आपका वहाँ से वाटर क्या होता है स्लोली स्लोली क्या हो जाता है इवोपरेट हो जाता है और क्या बचता है टाइम बहुत लगता है वहाँ में क्या बचता है कॉमन सॉल्ट, जैसे कि वहाँ पर डांडी आपने सुना था डांडी आंदोलन, तो उसमें यही तो हुआ था कॉमन सॉल्ट बनाया गया था।
दिस कॉमन सॉल्ट इज इम्प्योर. अभी भी क्या होता है, इम्प्योर होता है बिकॉज ऐसा मदर सॉल्ट मिक्सचर इसके अंदर और भी सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं. तो इट इज़ प्योर टू ऑप्टेन प्योर कॉमन सॉल्ट. तो इसको प्योरीफाई करना बहुत जरूरी है. द ह्यूज क्वान्टिटीज कॉमन सॉल्ट रिक्वायर्ड बाई इंडस्ट्री कम फ्रॉम सी वाटर. तो बहुत सारा जो चाहिए होता है इंडस्ट्री में वो सारा कहाँ से आता है, सी वाटर से आता है. सेकेंड है क्या करेंगे रॉक सॉल्ट को. तो अंडरग्राउंड डिपोजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बहुत तरह पाए जाते हैं. द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट. उसे क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं. रॉक सॉल्ट इज यूजुअली ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. उसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं. तो रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपोजिट लाइक कोल. जैसे जैसे रॉक सॉल्ट वैसे जैसे हम कोले को बाहर निकालते हैं इसी तरीके से हमारा ये सॉल्ट भी निकाला जाता है. द रॉक सॉल्ट विच इज वी डिग आउट टूडे फ्रॉम द अर्थ वॉज फॉर्म्ड व्हेन द एंशिएंट सी इज ड्राइड अप बाय इरोशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. तो जो हमें रॉक सॉल्ट मिलता है वो बना कैसे था, जब पहले बहुत साल हुए क्या थे, जो आपके समुद्र थे वो इवोपरेशन की वजह से सूख गए थे. सूखने की वजह से क्या कह रहे थे, वहाँ पर नमक ही रह गया था. तो हम वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट इज यूज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर यूजफुल केमिकल्स. बहुत सारे केमिकल्स बनाने के काम आता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बोलते हैं NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वाशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन का बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरिन, सोडियम सॉल्ट, इन सबको बनाने में बहुत काम आता है. एक तरह से बहुत जरूरी होता है कॉमन सॉल्ट का, ये बहुत अच्छा काम है. दूसरा, ये सॉल्ट आप कुकिंग फूड में यूज़ करते हैं जो हमें क्या देता है, इट इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ द फूड, स्वादिष्टता बढ़ा देता है. कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव इन व्हीकल्स एंड करिंग मीट एंड फिश. हम मीट को और फिश को और को बचाने के लिए और पिकल्स को सड़ाने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं. साबुन बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं. और यहाँ तक कि रोड्स पर सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है तो उसको पिघलाने के लिए भी कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है. टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. केमिकल सॉल्ट जो क्या क्या कौन से केमिकल्स हम बना सकते हैं कॉमन सॉल्ट से. कॉमन सॉल्ट इज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग मैनी केमिकल्स. ये हमने पढ़ा कि रॉ बहुत अच्छा कच्चा माल है क्या, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए. सबसे पहले इसमें बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या बनाया जाता है, सोडियम. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये तो आपका केमिकल नेम है. और कास्टिक सोडा क्या उसे कॉमन नेम है, तो इसे कॉमन नेम में क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा. क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका केमिकल फॉर्मूला है. ये भी बहुत केमिकल कंपाउंड्स में आगे काम आता है बनाने के लिए. तो इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है भी पढ़ते हैं. द रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड. आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए और इसे कहा जाता है विच इज कॉल्ड ब्राइन. क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन. आपसे पूछा था व्हाट इज ब्राइन, तो ब्राइन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. उसे क्या कहते हैं, ब्राइन. क्या कहते हैं, ब्राइन. तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड, जिसे हमने क्या कहा था, ब्राइन कहा है. तो अगर वहां से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, थोड़ा सा पानी मिला के ये ब्राइन बन जाता है. तो उसमें पानी मिलाने से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस. क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस. सोडियम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बन जाता है, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है. तो यानी कि हम अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, साथ में क्लोरीन प्लस में हाइड्रोजन भी. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड. जो आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वहाँ पे क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है. एंड हाइड्रो गैस इज प्रोड्यूस जाता है कैथोड. कैथोड पे क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन गैस. ध्यान से देता है, क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर हमें मिलती है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फाउंड नियर द कैथोड. ये भी हमें क्या मिलता है, उसके आसपास मिलता है, किसके, कैथोड के पास में मिलता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने पे क्या मिलते हैं सोडियम क्लोराइड के, हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक, तो ये अलग अलग हम सेपरेटली इन्हें सेपरेट कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस. ये पूछा जाता है व्हाट इज क्लोरो एल्कली प्रोसेस, तो आपको ये इसमें ये लिख के रिएक्शन इसको करनी होती है. तो क्लोरो फॉर क्लोरीन एंड एल्काइल फॉर सोडियम हाइड्रो, क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लोरीन के लिए तो क्लोरो यूज़ कर दिया, क्लोरीन बनती है. और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, और बेस का दूसरा नाम क्या होता है, एल्कलाइन. क्या होता है, एल्कलाइन. इसे इसलिए क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहा जाता है. ठीक है, इस तरीके आप ध्यान देंगे.
अगला है यूजेस ऑफ हाइड्रोक्साइड. तो हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल रॉयन बनाने के लिए. यही आपको जानते हो, ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल था, यानी आर्टिफिशियल क्या था, एक फाइबर था हमारे पास. उसके बाद पेपर बनाने में काम आता है, जब बॉक्साइड ओर को प्योरीफाई करने काम आता है, जब हम एल्यूमिनियम के एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम को बाहर निकालते हैं, डिग्रीसिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग, मेकिंग डाइस एंड चीज बनाने में काम आता है. तो आपको कम से कम दो दो तीन तीन यूजेज के याद होने चाहिए, एग्जाम में यूजेस पूछे जाते हैं. क्लोरीन का यूज़ किया जाता है कि वाटर को स्टलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पानी को साफ करने के लिए. इट इज एन डिसइनफेक्ट विच किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट द वाटर एंड मेक इट सेफ. ये क्या है, डिसइनफेक्ट है जो कि जर्म्स को मार देता है. क्लोरीन यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने काम आता है कौन, क्लोरीन. क्लोरीन इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक्स बनाने काम आता है. पीवीसी, पेस्टिसाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन टेट्राक्लोरीन सब बनाने में क्लोरीन काम आता है. सॉल्वेंट्स बनाने काम आता है, ड्रैगलिंग में काम होते हैं, उन्हें भी कौन करता है, आपका क्लोरीन काम आता है. हाइड्रोजन का काम आता है अगर हम वेजिटेबल घी बनाते हैं, मार्गरीन बनाते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने काम आता है, एमोनिया बनाने काम आता है, फर्टिलाइजर्स में मीथेनॉल बनाने काम आता है, और लिक्विड फ्यूल रॉकेट फॉर द प्रोसेस. ठीक है, अब हम ये कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिन निकलते हैं तो उसको कंबाइन कर तो क्या बन जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक काम आती है आयरन सीड्स बिफोर टिन प्लेटिंग और ग्लेजिंग, उसको आयरन सीड्स को साफ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, HCl का यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का यूज़ करते हैं आयरन का. ठीक है, उसके बाद में HCl एसिड यूज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, प्रेजेंस ऑफ HCl अगर प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स के काम आता है, एमोनियम क्लोराइड बनाने के काम आता है, जो आपके डाई सेल्स में यूज किया जाता है. ये आपके मेडिसिन और कॉस्मेटिक बनाने में काम आता है, टेक्सटाइल पेपर वेपर बनाने डाइंग में काम आता है, डाई करने के टैनिंग इंडस्ट्रीज में काम आता है, मेक प्लास्टिक लाइक पीवीसी में बनाने में काम आता है. तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन को अगर आप कंबाइन कर दे तो एक कंपाउंड और बनता है जिसे सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं. क्या कहते हैं, सोडियम हाइपो क्लोराइड NaClO, अगर इसको आप इनको एक्सट्रैक्ट करते हो क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सोडियम हाइपो क्लोराइड कहते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन को मिक्स करते हैं तो सोडियम हाइपो क्लोराइड, हाइड्रोजन को क्लोरीन तो HCl बन जाता है. इस तरीके से आप ये ध्यान देंगे, इस प्रोसेस में बहुत सारे कंपाउंड हमें मिलते हैं. अगला है वॉशिंग सोडा. क्या है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन. इसके अंदर वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ साथ 10 मॉलिक्यूल्स किसके लगे होते हैं, वाटर के लगे होते हैं. मैं बताऊँ क्या होता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज वाई वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. तो इसलिए इसका केमिकल नेम क्या है वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या हो गया, Na2CO3.10H2O. तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया. अगर आपके इसके पास कोई भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो उसे कहते हैं एनहाइड्रस. क्या कहते हैं, एनहाइड्रस. तो एनहाइड्रस फॉर्मूले सोडा एसिड राख भी कहा जाता है. प्रोडक्शन कैसे होती है, इसको बनाने का तरीका क्या है, कि वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग थ्री स्टेप. इसे आप कॉमन सोल्ट से बनाते हैं तीन तरीके से. सबसे पहले NaCl के साथ एमोनिया वाटर, ये दोनों क्या कह रहे हैं बेटा, ये और ये क्या कह रहा है, ब्राइन हो गया, ब्राइन को रिएक्ट कर दी कैसे एमोनिया से इन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा. क्या क्या कह रहा हूँ मैं, ब्राइन को और एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को आप ट्रीट करोगे तो आपको क्या देगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देगा, NaHCO3 देगा, प्लस में NH4Cl देगा. ठीक है, अब ये NH4 जो ऊपर बना हुआ ये सॉलिड स्लाइटली सॉल्युबल होगा वाटर में, सो इट प्रिपेयर्स आउट इन सॉलिड, वहाँ से बाहर की तरफ मिल जाएगा, PPT बन जाएगी, PPT बन जाएगी, आप इसे फिल्ट्रेशन से बाहर निकाल लेंगे. और जैसे ही आप इसे हीट करें तो आपको Na2CO3 इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट देगा आपको, जो सोडा एस कहा जाएगा, प्लस में CO2 प्लस में वाटर, दिस एनहाइड्रस कॉल्ड सोडा एस. तो वहाँ से हमें Na2CO3 मिल गया. जैसे ही आप उसमें वाटर में डिजोल्व कर रहे हो तो ये हमें क्या दे देगा, वॉशिंग सोडा. क्या दे देगा, वॉशिंग सोडा Na2CO3 प्लस में NH2 Na2CO3.10. तो आपको प्रोडक्शन में तीनों रिएक्शन याद होनी चाहिए. सबसे पहले जब आप NaCl वाटर प्लस में एमोनियम प्लस में CO2 अगर पास करते हो तो वहां से आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है. क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में एमोनियम क्लोराइड NH4Cl मिलता है. सेकंड स्टेप में क्या करोगे, PPT के फॉर्म में बाहर निकाल लोगे उसे. PPT की जो निकल जाएगी आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, उससे आप हीट करोगे, हीट करने से आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा जिसे हम सोडा एस कहते हैं, प्लस में H2O प्लस में CO2 मिलेगा.
और उसके बाद जो आपका सोडा एस मिला है उसमें क्या कर दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल्स को डाल दीजिए, वाटर ऐड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा Na2CO3.10H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, तो प्रॉपर्टीज में इट इज ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन ऑफ, ये बहुत सारे सॉल्यूशन घुलता नहीं है, मेटाकार्बोनेट विद सॉल्यूबल इन वाटर, वॉशिंग एल्कलाइन नेचर यानी कि रेड लिटमस टू ब्लू हो जाए, क्या होता है एल्कलाइन होता है इसलिए चेंज कर देता है रेड लिटमस टू ब्लू। एक बात बड़ी आ गई कि जो सॉल्यूशन है वॉशिंग सोडा वो क्या होता है बेटा, वो एल्कलाइन नेचर होता है, क्या होता है एल्कलाइन नेचर होता है। तो डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, डिटर्जेंट ये सफाई करने का काम आता है, इस हाजिर आप कपड़े से डर्ट और ग्रीस आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट की, वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले इसका क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, उसके बाद परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में काम आता है, यानी पानी के अंदर ज़्यादा मिनरल्स केमिकल्स होती है तो उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। इसे ग्लास सोप और पेपर बनाया जा सकता है, इन मिक्सचर ऑफ बोरेक्स एक सोडियम कंपाउंड होता है जो बोरेक्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा, क्या है बेकिंग सोडा, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका बेकिंग सोडा का नाम क्या है। अगला सॉल्ट है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम जो होता है, केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला हो गया Na HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसको भी हम खाने में, आपने सुना होगा बेकिंग सोडा, इसको हम खाने में डालते हैं, चने वने कुकिंग करते समय डाला जाता है, तो इसकी प्रिपरेशन होती है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड इन वाटर, दिस इज नोन एज ब्राइन, इन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच गिव्स Na HCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में NH4Cl, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज एमोनियम क्लोराइड। तो लार्ज स्केल पर इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग ए कोल्ड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन विद एमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, क्या आती हैं प्रॉपर्टीज, वाइट क्रिस्टल होता है, क्या होता है वाइट क्रिस्टल, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है, एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन मीन बेसिक है नेचर में, और नॉन कोरोसिव नेचर है मींस इफेक्ट नहीं करता, सो यूज्ड एज एन एंटासिड, इनडाइजेशन के आप में हेल्प करता है। जो बड़ी प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो आपको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसे सोडा एस भी कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट हीट करने पर प्लस में CO2 प्लस में H2O आपको
मिलते हैं। यहाँ से इसको जब हीट करते हैं तो CO2 गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, यानी इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है, तो इसकी वजह से ये बेकिंग पाउडर का यूज़ में आता है, ये प्रॉपर्टी इसको बेकिंग पाउडर बनाने में हेल्प की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। NaHCl, जब आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट एंड सोडा एच प्लस में CO2 प्लस में H2 भी मिलती है। अब आते हैं यूजेस, क्या आते हैं इसके यूजेस आते हैं। यूजेस में सबसे पहला यूज आता है, इट इज यूज एज एन एंटासिड, यूज एज एंटा एसिड, यानी कि हेल्प्स इन इंडाइजेशन। जब पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो ये आपके उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, यानी कि एसिडिटी को क्या करती है, रिमूव करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, टू यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने का काम आता है, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। जो बेकिंग पाउडर का है, जो हमें ब्रेड्स और केक बनाने में क्या करता है, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऐसे, बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। भाई बेकिंग पाउडर होता क्या है, तो इसमें आपके पास बेकिंग सोडा प्लस में कोई भी एडिबल खाने योग्य एसिड, डेट हम सीधा से कह सकते हैं आपको वीक एसिड, क्या कह सकते हैं, वीक एसिड। और ख़ासकर इसमें जो यूज़ की जाती है वो टार्ट्रिक एसिड होती है। कौन सी होती है, टार्ट्रिक एसिड, जो कहाँ पाई जाती है, इतनी पाई जाती है। तो जब इसको ट्रक बनाया जाता है, तो जैसे ही बनाया जाता है तो आपका NaHCO3 और आपका H पॉजिटिव जो एसिड से आएगा, ये रिएक्ट करने से आपको Na2CO3 प्लस में CO2 क्या देंगे, आपको ये टार्ट्रिक एसिड ये आपको देंगे, प्लस में क्या देगा आपको, ये H2O देगा। तो जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजन गैस ट्रैप होती है और आपका ब्रेड क्या बन जाता है बेटा, सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। इसकी वजह से आपका ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाता है। अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड वी ऐड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्यों हम यूज़ करते हैं, उसमें टार्ट्रिक एसिड क्यों मिलाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास बेकिंग सोडा होने की वजह से ही काम बन जाता है तो हम उस पर टार्ट्रिक एसिड क्यों बनाते हैं। टार्ट्रिक एसिड इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि आपका ब्रेड क्या होता है, आपका ब्रेड एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। किसका हो जाता है, एल्कलाइन नेचर का हो जाता है, जिसको टू न्यूट्रलाइज इट वी एड टार्ट्रिक एसिड। क्या डालते हैं, टार्ट्रिक एसिड डाल देते हैं। ठीक है बेटा, थर्ड यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज एन फायर एक्सटिंग्यूजर। किस तरह से यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्यूजर की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर भी ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, इवोल्यूशन ऑफ CO2 की वजह से ही क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है। अब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजनेट के साथ में, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में आप कोई भी एसिड डाल दें, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है X5H2O में, तो जैसे ही एक्स करते हैं तो आपके सल्फ्यूरिक एसिड आपके सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा से रिएक्ट करता है और बहुत सारी क्या दे देता है आपको, CO2 इवॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ब्लैंकेट फॉर्म हो जाता है और आप
का जब ब्लैंकेट फॉर्म होता है उस बर्निंग सब्सटेंस के पास में कर सप्लाई ऑफ एयर टू द बर्निंग सब्सटेंस, की वजह से वहाँ पर उसको CO2 नहीं मिल पाती। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज करें, इवोल्यूशन ऑफ CO2 की बात वजह से हम इसको यूज करते, कहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर में से यूज किया जाता है। उसके बाद में इसको यूज करने से पहले हमें एक चीज और पढ़नी है अभी आके, तो दो तरह के होते हैं पैराग्राफ हम जो यूज करते हैं वो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। कौन सा होता है? सोडा एसिड फायर। कौन सा होता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपने देखे होंगे, जो आपके स्कूल्स में हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। उनमें होता क्या है कि एक मान लीजिए ये आपका कंटेनर है जिसके अंदर ये नीचे नीचे आपका सारा क्या होता है बता देता हूँ आपको, तो क्या हुआ ये आपका बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है बेटा, ये आपकी कैप हो गई। यहाँ पर यहाँ से एक लेकर इस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, एक यहाँ आपका कोई सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4, ये थ्रेड से लगा होता है। यहाँ से जैसे ही आप इसे टिल्ट करोगे तो टिल्ट करने की वजह से ये एसिड इसके अंदर गिरेगा। जैसे ही एसिड बेकिंग सोडा में गिरेगा तो वहाँ से क्या होगा बेटा, नोजल ओपन करते जैसे आप ढक्कन खोलोगे तो ये यहाँ से ढक्कन खोलते ही ये इससे रिएक्ट करेगा और इसमें मिक्स होने से क्या होगा, CO2 इवॉल्व होगी। CO2 नोजल के थ्रू आप वहाँ पर पानी सब्सटेंस पर डाल दोगे। इस तरीके से आप क्या बना सकते, फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते। अगला है हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट। क्या है? ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं? ये सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम कलर सब्सटेंसेस टू मेक देम कलरलेस, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ब्लीचिंग एजेंट। जो क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को कलरलेस कर देते हैं, ऐसो को कहा जाता है ब्लीचिंग एजेंट। सबसे पहले आता है इसमें ब्लीचिंग पाउडर। क्या आता है? ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, दैट इज फॉर्मूला हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। अदर नेम है इसका क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या है नाम? क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग Cl2 क्लोरीन गैस फ्रॉम ड्राई स्लेक लाइम। ड्राई स्लेक लाइम इज CaOH2 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन ड्राइड फॉर्म। प्लस में Cl2 क्लोरीन, इट गिव्स CaOCl2 प्लस में H2O। दिस इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और इन दिस वे वी गेट ब्लीचिंग पाउडर। प्रॉपर्टीज व्हाइट इन कलर, व्हाइट पाउडर विद स्मेल क्लोरीन स्मेल। सेकेंड सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, इनसॉल्युबल पार्ट इज लाइम प्रेजेंट इन इट।
क्लोराइड इज ट्रीटेड विद या रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देन CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस में क्लोरीन प्लस में H2O आर गिवन आउट इन दिस रिएक्शन. व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद एक्सेस डाइल्यूट H2SO4 ऑल द क्लोरीन प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर is liberated and that Ca2 is used as bleaching agent. This Cl2 is used as bleaching agent. इसे ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है. This Cl2 is used as bleaching agent. तो so real bleaching agent present in bleaching powder is chlorine. Why? किसकी वजह से होता है ब्लीचिंग एक्शन? ओनली फॉर क्लोरीन की वजह से होता है. और क्लोरीन की होती है इस प्रॉपर्टी कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, कि अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है. ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. अब पढ़ते हैं इसके यूजेस के बारे में. इसके बारे में पढ़ते हैं यूजेस के बारे में. तो पहला यूज आता है इसका, सबसे पहले इसी का ले लीजिए. Used for bleaching. It is used as bleaching agent. Second आता है, it is used as disinfectant. Disinfectant जो होते हैं substance which kills germs or bacteria. Germs or bacteria. Use this one and it is used as disinfectant. आप इसे to purify water भी use कर सकते हैं. Water के purify करने के लिए काम आता है, क्योंकि वहाँ पे CL2 निकलती है. थर्ड आता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म को बनाने में हेल्प किया जाता है CHCl3. फोर्थ, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल. उसमें गांठ ना बने, सिकुड़न ना बने, इसलिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है. लास्ट एंड बड़ा इम्पोर्टेंट जो इसका काम है, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर मैनी केमिकल्स. यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर मैनी केमिकल्स इन द केमिकल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट सॉल्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस के शॉर्ट में पी ओ पी भी बोलते हैं. केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट और कैल्शियम.
सल्फेट हाफ हाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला CaSO4.5H2O। इसका नाम इसलिए बना क्योंकि ये पाया जाता है पेरिस में और बहुत तरह के इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम किया जाता था, इसलिए इसको पीओपी नाम दिया गया। प्रिपरेशन किसकी है? प्रिपरेशन इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस तो जिप्सम इज CaSO4.2H2O दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। This is the formula of gypsum. When gypsum is heated at 100 degrees Celsius or 373 Kelvin, it loses its 3/4 of its water of crystallization CaSO4.5H2O प्लस में 1/2H2O को रिएक्ट करने पर दिस इज कॉल्ड POP प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट एमिहाइड्रेट। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हीट करना है। क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन करते समय टेम्परेचर शुड बी मेंटेन केयरफुली, शुड बी मेंटेन केयरफुली। आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बहुत मेंटेन करना है। अगर इससे ऊपर हीटिंग हो जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका CaSO4.2H2O दैट इज जिप्सम अगर आपको हीट कर दें अब 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस लूसेस ऑल इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो अपने वाटर क्रिस्टलाइजेशन को क्या करेगा, भूल जाएगा, यानी कि क्या कर देगा, लॉस कर देगा, उसमें से चले जाएंगे। इट लूजेस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड दिस कम बिकम एनहाइड्रस सल्फेट। इसे बोलते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट और डेड बर्न्ट प्लास्टर। कि जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आप हीट कर दोगे तो वो अपने सारा जो उसके अंदर पानी था उसको क्या करेगा, लॉस कर देगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाता है। ठीक है बेटा, अगला है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की बात करें और प्लास्टर ऑफ पेरिस की, प्रॉपर्टीज में वाइट पाउडर होता है, क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। जैसे ही पानी मिलाओगे, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि सेटिंग इनटू ए हार्ड मास, सेटिंग इनटू ए हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। वेटिंग विद वाटर मतलब होता है जैसे ही आप इसमें पानी मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और हाफ एन आवर आधे घंटे में ही क्या हो जाता है बेटा, ये सेट हो जाता है। होता क्या है कि जैसे कि आपके पास रिएक्शन में कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O दैट इज़ आपके पास, अगर आप पीओपी में वाटर मिलाओगे
इट विल बिकम्स जिप्सम. क्या बन जाएगा ये? जिप्सम बन जाता है, इसलिए ये हार्ड हो जाता है. क्या हो जाता है? ये हार्ड हो जाता है. और इसके साथ साथ क्या होता है, इसकी वजह से थोड़ी सी वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये यूज किया जाता है स्टैचूज बनाने के लिए. एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. वाई? कि इनको पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर से दूर क्यों नहीं रखना, क्यों रखना चाहिए? बिकॉज अगर आप उसमें रखोगे तो मॉइस्चर कैन कॉज, मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग क्वेश्चन आता है, व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. क्यों रखना चाहिए? आंसर होगा बिकॉज मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग इट्स हाइड्रेशन. वो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, इसे कहते हैं हाइड्रेशन. क्या कहते हैं? दिस विल मेक पीओपी यूजलेस आफ्टर सम टाइम. यूजेस की बात करें, used as fractures. क्या काम आते हैं? used as fracturing broken bones. It is used as a food making casts in dentistry. Dentistry को जो दांत का खोचा बनाना होता है, जो दांतों का मॉडल बनता है, उसकी हेल्प में लगाने का आता. थर्ड यूज आता है, इट इज यूज्ड for decorative decoration in buildings. जैसे घरों में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी POP का यूज करते हैं. Fourth, it is used as fireproof. Fireproof तरह भी यूज किया जाता है. Fireproofing material. It is used for making toys, casts for statues,
एयरटाइट सब्सटेंस अगला टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ जिसने हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं देयर आर सम सॉल्ट्स व्हिच कंटेन फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर में द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल of a salt is known as water of crystallization is known as water of crystallization the salts having water of crystallization are known as हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या कहते हैं उन्हें हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं जिनके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है मान लीजिए आप अगर आप बात करें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है तो इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट क्या कहते हैं पेंटा हाइड्रेट इसके बाद CaSO4.2H2O दैट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट अभी बताया था क्या था डाई हाइड्रेट ध्यान देना बेटा इन चीजों को ये जिप्सम है ओके देन इज FeSO4.7H2O आयरन सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट के बाद तो ये कुछ सॉल्ट्स हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं जिसके अंदर ये पाया जाता है Na2CO3.10H2O दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट ये सारे सारे क्या हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है बेटा वाटर क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है अब क्या बात ध्यान देनी है कि जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है इट इज़ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है एक स्ट्रक्चर का ये पार्ट होता है और ये फ्री नहीं होता क्रिस्टलाइजेशन में से यानी ये फ्री नहीं होता इसलिए ये आपके सॉल्ट को क्या नहीं करता कभी भी वेट नहीं करता ठीक है सिंस होने की वजह से ये इसको वेट नहीं करता एज इट इज नॉट फ्री फ्रॉम द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में ही पाया जाता है उससे अलग नहीं होता इसलिए इनको ये क्या नहीं रखता सारे सॉल्ट्स को भी क्या नहीं रखता बेटा वेट नहीं रखता दूसरा बात ये भी ध्यान दें इसकी वजह से क्रिस्टल्स को क्या मिलती है शेप भी मिलती है और कभी कभी कलर भी उन पर शो होता है
they give color or shape to the salts. For example, copper sulfate pentahydrate have blue color. Iron sulfate heptahydrate is of green color. Sodium catalyst, calcium circuit catalyst are white in color. ये क्या होता है बेटा? White होता है और ये भी क्या होता है? White होता है. ठीक है? तो ध्यान देना, एक तो इसकी वजह से ये क्या नहीं होते, wet नहीं होते. दूसरा क्या होते हैं ये? इनको color और shape भी produce देता है कौन? Water of crystallization. अब इसको क्या कहोगे, इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? 5. 5 मींस है पेंटाहाइड्रेट, मींस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स. डाइहाइड्रेट मींस 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. हेप्टाहाइड्रेट मींस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स. डेकाहाइड्रेट मींस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक है, बड़ी प्रॉपर्टी आती है व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड स्ट्रॉन्गली. अगर उन्हें आप बहुत ज़्यादा क्या करते हो, गर्म करते हो, हीट करते हो, दे लॉस दियर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या हो जाते हैं बेटा, उनमें से निकल जाता है. एंड ड्यू टू दिस they become anhydrous salts. Anhydrous salts को जैसे ही आप उनमें से क्या निकाल दोगे, तो जैसे कि hydrated salts क्या किया, heat किया, क्या बन गए? Anhydrous salts plus में water of crystallization. ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये एनहाइड्रस सॉल्ट में हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी क्या नहीं होता, वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता. जैसे ही आप इसमें दोबारा पानी डालोगे, दे अगेन बिकम हाइड्रेटेड एंड रिगेन्स इट्स कलर. उनके अंदर क्या जाता है, कलर आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O. आप यहाँ से इसमें हीट कीजिए तो आपको CuSO4 प्लस में 5H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं. तो ऑन हीटिंग ब्लू कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है, जो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, जैसे आप उसे हीट करोगे तो ये वाइट कलर का हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और क्रिस्टलाइजेशन में जैसा होता है दोबारा से आप चला जाता है. फिर दोबारा से अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, इट कम्स इन टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ये दोबारा क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. जैसे अगर आप इस CuSO4 में ये वाइट कलर का होगा आपका, आप क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे, ये चेंज हो जाएगा CuSO4.5H2O द्वारा से किस कलर में आ जाएगा, ब्लू फॉर्म में. और ये हो जाएगा इस बार हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड. ऊपर ये इसमें क्या बन गया था, ये एनहाइड्रस क्या बन गया था, एनहाइड्रस क्या बन गया था, तो ये क्या था, एनहाइड्रस. तो इस तरीके से आप इनका रिग्रेन कर सकते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो इट इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है.